आज हमारे यहाँ नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 7-7.5 हज़ार केस जो है वो टेकअप किए गए, जिनमें से 3.5-4 हज़ार के बीच में हमारे टोटल केसेज जो हैं डिस्पोज ऑफ हुए हैं। उसमें हमारे बैंक केसेज हैं, मोटर एक्सीडेंट एंड क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेज भी हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स थे उनके रिगार्डिंग जो है डिस्पोजल हुआ है, वो लगभग 7 हज़ार केसेज हमारे पास पेंडिंग थे, जिनमें लगभग 3 हज़ार केसेज जो हैं वो हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं। उसके बाद मेरे अपने बेंच में लगभग 2.5-3 हज़ार ट्रैफिक चलान थे, जिनमें से 1700 से लेकर के 2000 के बीच में ट्रैफिक चलान जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हुए हैं, और उसमें 25 से 30 हज़ार के बीच में जो है फाइन भी हुआ है, और कुल मिलाकर के आज की लोक अदालत जो है बहुत सक्सेसफुल रही। बहुत ही अच्छा चल रहा है सुबह का। हम इधर ही हैं, जो बैंक के जिस आदमी का 1 लाख रुपया लोन है उसको 25 हज़ार रुपये में मुकरा है काम, जो बिजली के है 25% डिस्काउंट पे, वो बिजली का बिल भी खत्म हो रहा है, वो जंगलात के महकमे सभी केस बहुत अच्छे। हम पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ही लोक अदालत लगनी चाहिए। यहाँ जो पुंछ में ये आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोक अदालत समझ रही है, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पर क्या मतलब, मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि इधर यहाँ पर क्या होता है। जैसे आज मेरा बिजली का केस है, तो यहाँ पर मैक्सिमम गाँव के लोग जिनको बिजली जो है बहुत कम मिलती है, तो उनके बिल जो हैं अक्सर बहुत ज़्यादा आते हैं, 20 हज़ार 22 हज़ार 25 हज़ार तक। तो इसमें लोक अदालत के माध्यम से ये हो सकता है कि उनके 75% उनको डिस्काउंट मिल सकता है, और बाकी उनको मतलब कुछ ही बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। और भी यहाँ पर बहुत तरह के केसेज हैं, जैसे लैंड केसेज हैं, कोई लड़ाई झगड़े का केसेज है, फॉरेस्ट के केसेज हैं, और बहुत केसेज हैं। तो ये यहाँ पर आज इनको काफ़ी रिलैक्सेशन दी जाती है, यहाँ पर इनको जो है इनको काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को,